आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। रुड़की में सड़कों पर मौत बांट रही है बेलगाम ट्रैक्टर ट्रॉलियां। दो हादसों में एक की मौत, दंपति और दो बच्चे घायल। हरिद्वार जिले के रुड़की में बेलगाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने दो जगह बड़े हादसे किए। हरिद्वार बाईपास पर हवेली होटल के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं पिरान गलियर के बेटपुर चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने भी एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार परिवार के दंपति और दो बच्चों समेत चार लोग घायल हो गए। शादाब के बाद 10 दिन में विकास की भी तहसीलदार पद से विदाई। देहरादून में फिर लौट आए दयाराम। दयाराम देहरादून के नए तहसीलदार बनाए गए हैं। 12 दिन के अंदर देहरादून से दो तहसीलदारों की विदाई और तीसरे को पदभार सौंपने को लेकर प्रशासनिक गलियारों में कानाफूसी चल रही है। आचार संहिता हटते ही शादाब को देहरादून के तहसीलदार पद से टिहरी ट्रांसफर कर दिया गया था। उनकी जगह आए विकास अवस्थी अभी ठीक से तहसीलदार की कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे कि उनका भी तबादला कर दिया। पौड़ी में मनरेगा की मजदूरी खा गए भूत, गायब हुए 7.75 लाख रुपए। पौड़ी में मृतकों द्वारा मनरेगा में मजदूरी करने का मामला सामने आया है। मजदूरी का उन्हें मेहताना भी नहीं दिया गया। आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली गई तो पूरा मामला 7.75 लाख रुपए से ज्यादा का है। ढोबाल चौक गोलीकांड, रवि बडोला की हत्या के विरोध में आज देहरादून बंद। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग। देहरादून गोलीकांड में रवि बडोला की हत्या को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने आज 20 जून को देहरादून बंद का ऐलान किया है। साथ ही समिति ने रवि बडोला की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। बियर बांटकर फॉलोअर्स बढ़ाने की स्ट्रेटेजी यूट्यूबर को पड़ी भारी, पुलिस ने लिया एक्शन। हरिद्वार में बियर के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर करने वाले युवक को पुलिस ने चालान काटा है। जंगल की आग ने रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर रोक के वाहन के पहिए रूट किया डाइवर्ट। रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर जंगल के दोनों ओर आग धधक रही है, जिससे यातायात को डाइवर्ट किया गया है। वहीं वन विभाग ने के कर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। आपदा के मुहाने पर खड़ा उत्तराखंड, विदेश दौरे पर टॉप अधिकारी, कईयों ने विभाग में छोड़ी नौकरी। हिमालयी राज्य उत्तराखंड मौजूदा समय में कई आपदाओं के मुहाने पर खड़ा है। राज्य में आपदा प्रबंधन के हालातों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या है मौजूदा स्थिति, आइए एक नज़र डालते हैं। हरिद्वार अर्चना हत्याकांड में नया मोड़, जेल में बंद पोती ने प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार अर्चना हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जेल में बंद पोती ने अपनी प्रेमी पर दुष्कर्म के साथ ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीने में चाकू घोप कर युवक को मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, कोल्ड ड्रिंक को लेकर हुआ था विवाद। हरिद्वार दिनेश हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी को दिनेश और उसके पिता ने कोल्ड ड्रिंक बेचने को लेकर विवाद हो गया था। इसी मामूली सी विवाद में आरोपी ने दिनेश के सीने में चाकू घोंप दिया था, जिससे दिनेश की मौत हो गई। सलमान ने बाबा बनकर किया कांड, झाड़फूंक के बहाने लूटी युवती की अस्मत। पार्टनरशिप के नाम पर उद्यमी से करोड़ों हड़पे, दिल्ली के दंपति समेत चार पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में कंपनी में साझेदारी के नाम पर उद्यमी से करोड़ों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में दिल्ली के पति पत्नी समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार चंपावत पहुंचे अजय टम्टा, हुआ जोरदार स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद अजय टम्टा पहली बार चंपावत पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान अजय टम्टा ने कहा, पहाड़ों पर सड़कों का जाल बिछाना उनकी प्राथमिकता होगी। अमेरिका से आए 26 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत, दोस्त भी गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में हल्द्वानी के पास मंगलवार रात 18 मई को बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार जानवर को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 26 साल के युवक की मौत हो गई, वहीं उसके दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं। रेखा आर्या ने अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए, विकास के लिए 70 करोड़ पर लगी मुहर। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से फायदे में पावर प्रोजेक्ट, बिगड़ रही हिमालयी ग्लेशियर्स की स्थिति।
उत्तराखंड में भीषण गर्मी से बिजली परियोजनाओं को फायदा हो रहा है। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बिजली उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जबकि गर्मी के कारण ग्लेशियरों को नुकसान पहुंच रहा है। लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने लोगों को दी बड़ी राहत। देहरादून में बरसे बदरा, पहाड़ी इलाकों में भी बूंदाबांदी। उत्तराखंड में मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बुधवार के दिन के समय से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। तेज धूप अचानक तेज हवाओं में बदल गई, जिसके बाद देहरादून में जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांसें ली। देहरादून में कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन, वृक्षारोपण के बाद पिलाया शरबत। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उनका जन्मदिन मना रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस ने पौधारोपण और शरबत पिलाकर राहुल गांधी का जन्म दिवस मनाया।